नमस्कार दोस्तों, रेट एक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने कैसी सच्ची डरा देने वाली कहानी लेकर आ गए हैं। इसे पूरी तरह से सुनने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग अपने ही घर में अकेले रहने से कतराने लगेंगे, घबराने लगेंगे, क्योंकि दुर्घटना थी ही कुछ ऐसी। आज की पूरी कहानी सोमेश नाम के लड़के ने हमें इंस्टाग्राम में लिख भेजी है। क्या बीता था आखिर उस परिवार में आज से 8 साल पहले, या आप लोगों को जी अपनी जबानी बताएगी। एक्चुअली सोमेश जिस एरिया में रहता था, जिस सोसाइटी में, वहाँ पे दो बूढ़े बूढ़ी औरत आदमी थे जिनको ये लोग दादा दादी बोलते थे। ऐसा होता नहीं कि रिश्ता बन जाता है अगर आप लोग आसपास में रहते हो, वैसा इनके घर का और उनके घर का बहुत अच्छा रिश्ता था, उनको दादा दादी ही बोलते हैं। एक्चुअली जो दादा दादी थे उनके दो बेटे थे और जो बड़ा बेटा था उसकी शादी हुई थी 2 साल पहले और उसकी एक साल की बेटी भी थी। इनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश थी और बहुत ही अच्छे से रह रही थी, लेकिन अचानक से इनका जो छोटा बेटा था उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसको पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मतलब जवान लड़के की उनकी डेथ हो जाती है, जो दूसरा वाला बेटा था उनकी। ये लोग बहुत ज्यादा सदमे में थे, बहुत गम में थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग इतने खुश थे, हमारे घर पे एक छोटी बच्ची का जन्म भी हुआ था, सब कुछ खुशहाली से हमारी जिंदगी जा रही थी, अचानक से ये क्या हो गया। उनको उस गम से उभरने में आई थिंक 5-6 महीने लगे। उसके बाद उनके घर पे ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो लोग बिल्कुल हिल से गए, पागल से हो गए। एक दिन क्या हुआ, जब ये जो दादा दादी थे उनके घर पे, जो दादा थे वो और उनका बड़ा बेटा, ये दोनों लोग कहीं बिजनेस के लिए बाहर चले जाते हैं उस शहर से। और उसके बाद जो दादी थी वो, उनकी बहू और उनकी छोटी सी 1 साल की पोती घर पे अकेले रहते हैं। और जब ये लोग घर पे अकेले रह रहे होते हैं उसके बाद से ना इनको कुछ घर पे एक्टिविटी महसूस होने लगती है। जब तक दादा थे, बड़े वाले बेटे थे, तब तक कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी इनके घर पे कुछ ना कुछ ऐसा मनुष्यत हो रहा था। इनके घर पे, इनके घर के बाहर ही मतलब रोज एक बिल्ली आके चिल्लाती थी, रोज रोती थी, रात के 12 बजे करीब, कभी 1 बजे करीब, रोज जोर जोर से रोती, जैसे बहुत दर्द में है वो। अच्छा, ऐसा कई बार होता है जब घर के मर्द घर से चले जाते हैं तो कुछ भूतिया एक्टिविटी घर पर अक्सर शुरू हो जाती है। ये कुछ कुछ ऐसी एंटिटीज होती है जो केवल और केवल फीमेल्स से ही अट्रैक्ट होती है, उनको ही अपने जंगल में फंसाने की कोशिश करती है। ऐसी एंटिटीज मेल्स से बहुत दूर रहती है। मेरे ख्याल से उस घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग सोच में पड़ गए थे, परेशान हुए थे, रोज बिल्ली क्यों रो रही है। उसके बाद से ना इनके घर पे ना अचानक से बाल मिलने लगा। जब ये लोग रात में जब सोते सोके उठते हैं सुबह सुबह, तो इनके किचन में कभी इतना बाल दिख गया, कभी इनके बेडरूम के बाहर वाले एरिया में बाल दिख गया, और वो बाल बिल्कुल सफेद होता था। इनको समझ में नहीं आता था कि मतलब हमारे घर पे सफेद बाल और इतना इतना बाल कैसे निकल रहा, और इतना इतना रोज जैसे काट के किसी ने रखा है वैसा वाला। झड़ने वाले बाल, निकलने वाले अलग से होते हैं, लेकिन जो काट के रखो ऐसे ऐसे ही, वो अलग बालों का गुच्छा, हाँ वो अलग से रहता है। इनको समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, और रोज इनको बुरे बुरे सपने आते थे। एक्चुअली एक दिन हुआ क्या, जब इनकी बहू सो रही थी दादी की रात में, और उसके बाद उनकी बेटी 1 बजे करीब उठ जाती है और रोने लगती है। वो तो 1 साल की थी, बच्चे तो छोटे छोटे रहते हैं, वो उठ जाते हैं रात में, कभी भी उठ के रोने लगते हैं, दूध दूध पीना रहता है उनको, या तो सुसु कर तो भी उठ जाते हैं। तो वो अपने बच्ची को ठोक ठोक के सुला रही थी, दूध दूध पिला के। 1-1.5 बजे करीब की बात थी, उनको ना ऐसा सुला ही रही थी बेड पे, उनको ऐसा लगा कि उनके जो दरवाजा है ना रूम का, वो बंद नहीं रखी थी, खुला ही रखी थी। उनको लगा कि वहां से ना कोई एकदम हट्टा खट्टा, एकदम मजबूत लंबा सा आदमी, जिसका पूरा फेस जला हुआ है, पूरा पिघला हुआ बॉडी है, वो वहां से क्रॉस करके गया। इतना गंदा दिखने वाला आदमी, वो एक तरीके से मतलब सिहर सी गई, डर गई वो कि ये क्या हो गया, मतलब ये कौन था। और एक चीज उनको और भी दिमाग में आया, कहीं ये कोई चोर तो नहीं है, और इतना गंदा बुरा मास्क लगा कर आया हुआ, हो सकता है कुछ चोरी करने हमारे घर पे आया हो, चोर तो नहीं है। उन अपने बेटी को झूला में सुला देती है, जो बच्चों का झूला रहता है उसमें सुलाती है, और एक मोटा सा डंडा उठा के, अपने रूम में डंडा रखा हुआ था, उसको लेके निकल जाती है। वो जो आदमी था वो किचन की तरफ गया था, वहां पे धीरे धीरे करके निकल जाती है किचन की तरफ, देखने के लिए कि आखिर वो था कौन। लेकिन जब वो किचन में जाती है, 2 मिनट के अंदर ही जाती है, मतलब देखती है, जस्ट बच्चे को सुलाती है और फटाक से जाती है देखने के लिए कौन है ये। उतने टाइम में जाके देखती है, वहां पे कोई था ही नहीं।
मतलब इतनी जल्दी कोई इंसान कैसे गायब हो सकता है? भाग के जाता तो उसी कदमों की आवाज सबको समझ में आता है कोई आपके घर में भाग रहा है तो, मतलब वो इंसान नहीं। हाँ, वो डर जाती है, उनको समझ में नहीं आता कि ये मतलब क्या था। और मैं अभी आई देखने के लिए, मुझे नहीं दिखा और अभी लेटी थी, मुझे दिखा था और बहुत ही भयानक दिख रहा था। वो सोचती है शायद हो सकता है मेरा वहम होगा, अभी नींद से उठी शायद हो सकता है मेरा वहम होता है कई बार इल्यूजन पैदा करने लगता है हमारा दिमाग। तो उसके बाद वो आती है और सो जाती है। उनके सोने के एग्जैक्टली 30 मिनट बाद उनको ऐसा लगता है कि उनके पैर को कोई ऐसे जोर से पकड़ने की और खींचने की कोशिश कर रहा है। उनके पैर को खींचने की कोशिश, धीरे धीरे पैर से बढ़ते बढ़ते उनके सीने पे कुछ आके बैठ गया है, कोई बहुत भारी भरकम इंसान उनके सीने पे आके बैठ गया और उनका गला दबाने की बहुत जोर से कोशिश कर रहा है, जैसे उनको मारे डालेगा, छोड़ेगा नहीं। इतनी जोर जोर से उनका गला दबा रहा था। वो इतना ज्यादा डर गई, इतना घबरा गई, पसीना पसीना हो गई, वो छुड़ाने की कोशिश कर रही है, उसको मारने की कोशिश कर रही है, वो उसको देख नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों उसको छुड़ा नहीं पा रही है। उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत चिल्लाती है, बहुत ऐसा नोचती उचती भी, अपने हाथ वाथ भी ऐसे बेड वेड पे भी नोचती है, बहुत कोशिश करने नहीं छोड़ता है। जब मन में राम राम करती है बहुत बार, भगवान को बहुत याद करती है, दिमाग शांत करती है, उसके बाद ऐसा लगता है कि उनके सीने से कुछ झटके से उठ के गया। उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मतलब हम मेरे सीने में जो भारी था वो खाली हो गया, मतलब उनको स्लीपिंग पैरालिसिस भी हो गया। हाँ, तो उसके बाद वो इतनी ज्यादा डर गई कि वो भागते हुए जो उनकी सास थी उनके घर पे, उनके कमरे में गई भागते हुए। तो वो पूछी क्या हुआ, क्या इतनी डरी, क्योंकि वो पूरी पसीना पसीना हो गई थी, उनकी हालत बहुत खराब थी, उसके चक्कर में अपनी बॉडी पे भी नाखून मार ली थी उन्होंने। अच्छा। और जो बेड का चद्दर था उसमें भी बहुत नाखून, चद्दर भी फट गया था। मैं समझ सकता हूँ ये स्लीपिंग पैरालिसिस कितना ज्यादा डरावना और खतरनाक होता है, क्योंकि सब लोगों को पता है मैंने कितना ज्यादा फेस किया। हाँ, अगर शायद वो उस चीज से नहीं उभर पाती तो उनकी जान भी नहीं बचती, क्योंकि होता है ऐसा, लोग सोते सोते बोलते हैं ना, सोते सोते वो चले गए ऐसा बोलते हैं, कि मतलब उठ नहीं पाती वो। अगर भगवान का नाम लेती, खुद को शांत नहीं करती, शायद नहीं उठ पाती, जो शैतान उनके ऊपर बैठा था वो लेके जाता उनको, हो सकता था, होता है। तो उसके बाद वो गई भागते हुए, सब कुछ बताई तो उनकी सास ने भी बताया, वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उन्होंने बोली कि जो तुम्हारे साथ सेम टू सेम हुआ वही एक रात पहले मेरे साथ भी हुआ था, सेम टू सेम वैसा ही। मुझे भी लगा था कोई मेरा पैर खींचने की कोशिश कर रहा है और मेरे सीने पे आके बैठा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा डर गई और बहुत शॉक्ड हो गई, इनको समझ में नहीं आया कि हम दोनों के साथ आखिर हो क्या रहा है। ये इतने दिन से हमको सब कुछ कुछ फील हो रहा था, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है हमारे घर पे, लेकिन हमारे हमको हार्म नहीं कर रही थी, हम अब हमको हार्म करने लगी है। तो सास वास वो लोग थोड़ा सा मतलब भगवान को मनाते हैं और उसके बाद दोनों एक ही रूम में अपने बच्चे को लेकर सो जाते हैं। और उसके बाद जो दादी थी वो दादाजी को फोन करती है और अपने बेटे को, और दोनों घर पे आते हैं। उसके बाद एक दिन बाद घर पे वापस आते हैं और एक बाबा जी को बुलाते हैं और पूरे घर की शुद्धिकरण करवाते हैं और पूरे घर को बंधवा देते हैं। बोलते हैं कि कोई बहुत ही बुरी आत्मा, बहुत बड़ा शैतान तुम्हारे घर पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बोलते हैं बाबा, और पूरे घर को बांध देते हैं। और जब घर बांधते हैं उसके बाद मतलब उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो बाल निकलने की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई, बाल कहीं पर नहीं दिखता था। और जो बिल्ली रोती थी रोज रात में 12 बजे के बाद आके इनके घर के बाहर, वो बिल्ली उस दिन के बाद कभी नहीं रोई, मतलब पक्का। हाँ। ये कुछ निगेटिव एंटिटी की हरकत थी। हाँ, लेकिन ना जाने ये निगेटिव एंटिटी आई कहाँ से थी, कैसे इनके घर के पीछे लग गई वो, ये समझ में नहीं आया। ये कभी कभी होता है ना कि आप चीजें समझ नहीं पाते हैं, आप अचानक से अपने घर पे रहते हो और अचानक से आपके घर पे कुछ ऐसी नेगेटिविटी हावी होने लगती है, आपको पता नहीं चलता कि हम तो इतने साल से इस घर में अच्छे से रह रहे थे, अचानक से क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है जरूर, तो होता पता नहीं कैसे होता है, नहीं पता, लेकिन होता है ऐसा। आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर ये घटना उस परिवार के साथ क्यों बीती होगी, क्योंकि इस दुनिया में बिना वजह के कुछ भी नहीं होता। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप लोगों के साथ भी इसी तरह की कोई दुर्घटना घटी है तो इंस्टाग्राम में आप हमें लिख के भेज सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हमें पहली बार देख रहे हैं और अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।